नमस्कार बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाटिका का पाठ दो। हम किसके फूफा जी हैं, ये हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्द है रौ, अर्थ है प्रभाव। रौ का अर्थ है प्रभाव। शब्द है निश्चय, अर्थ है पक्का इरादा। शब्द है उत्साह, सा का उमंग। सरियाया, इस शब्द का अर्थ है डाला। बेइज्जती का अर्थ है अपमान। अगला शब्द है तबीयत और अर्थ है स्वास्थ्य। पाहुन का अर्थ, पाहुन शब्द है, इसका अर्थ है दामाद या फिर बेटी का पति। हुलिया, हुलिया कहते हैं शक्ल सूरत का ब्योरा। गमछा का अर्थ है देह पहुंचने का एक छोटा सूती कपड़ा, उसको कहते हैं गमछा। झुंझलाना, झुंझलाना यानी कि चिड़चिड़ाना, ये है इसका अर्थ। तो ये थे पाठ से संबंधित शब्द। बच्चों, हमने पाठ पढ़ा पिछली वीडियो में, आपने भी पढ़ा सबने, तो मैं यहाँ पर मौखिक प्रश्न पूछूंगी और इनके उत्तर भी बताऊंगी। आप इसे स्वयं अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न है कि राम भुजावन सिंह घूमने क्यों जाना चाहते थे। तो इसका उत्तर है कि राम भुजावन सिंह अपना रौब जमाने के लिए घूमने जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, राम भुजावन सिंह ने कहाँ जाने का निश्चय किया। कहाँ जाने का निश्चय किया बच्चों? राम भुजावन सिंह ने सोनपुर जाने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, फुआ ने क्या कहते हुए लड़के को पहचान लिया। उत्तर है, फुआ ने कहा कि बिल्कुल अपने दादा पर गया है, यह कहकर फुआ ने उसे पहचान लिया। अगला उत्तर है, प्रश्न है कि लड़के ने राम भुजावन सिंह को किन लोगों से सावधान करने को कहा। तो लड़के ने राम भुजावन सिंह को चोर उचक्कों से सावधान रहने को कहा। लिखित प्रश्न, इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन विकल्प हैं, जिसमें से आपने एक सही विकल्प चुनकर उस पर टिक लगाना है। तो प्रश्न है, राम भुजावन सिंह कहाँ रहते थे, गांव में, शहर में या सोनपुर में। राम भुजावन सिंह गांव में रहते थे। अखा है कि लड़का वास्तव में क्या था, ठग था, चोर था या उच्चका था। तो लड़का वास्तव में ठग था। अब प्रश्न नंबर दूसरा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। क है, राम भुजावन सिंह अपने को गांव भर में सबसे डैश समझते थे। क्या समझते थे? चालाक। राम भुजावन सिंह डैश जाने के नाम से मन ही मन खुश हो रहे थे। कहाँ जाने के नाम से? ससुराल। बहुत से लोग नहाने के लिए डैश की तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? नदी की तरफ। अगला है, लड़के की दादी एक बार डैश को देखना चाहती थी। किसको देखना चाहती थी? पाहुन को देखना चाहती थी। ये थे बच्चों रिक्त स्थान। अब मैं आपके सामने एक गद्यांश पढ़ूंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उससे संबंधित मैं प्रश्न पूछूंगी। तो सुनिएगा, तुम नहीं समझोगी मुन्ने की माँ, अधिक कपड़े रहने से लोगों पर रौब पड़ता है, लोग मुझे धनी मानी आदमी समझेंगे। मैं सुबह पहला कपड़ा, दोपहर में दूसरा कपड़ा और शाम को कोई तीसरा कपड़ा पहनूंगा, लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर प्रणाम करेंगे। ये है गद्यांश। अब इससे संबंधित प्रश्न है, अपनी पत्नी को उन्होंने क्या कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? मुन्ने की माँ कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है, अधिक कपड़े धनी होने की निशानी है वो कैसे। तो राम भुजावन के अनुसार धनी होना अधिक कपड़ों की निशानी है, क्योंकि कपड़े बदल बदल कर पहनेंगे तो लोग उन्हें धनी समझेंगे, ये उनका मानना था। अगला प्रश्न है, वे दिन में कितनी बार कपड़े बदलना चाहते थे। तो इसका उत्तर है, वे दिन में तीन बार कपड़े बदलना चाहते थे। आप उत्तर लिखेंगे, किताब में भरेंगे। अगला है कि प्रणाम शब्द का पर्यायवाची रूप लिखिए। तो प्रणाम का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? नमस्ते या फिर नमस्कार, आप कुछ भी इस प्रकार से
लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थे आज के कुछ प्रश्न उत्तर, और आपने इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट करना है और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। जिन बच्चों ने किताबें खरीद ली हैं वे बच्चे इसको अपनी किताब में ही फिल करेंगे, और जिनके पास किताबें नहीं है तो वो नोटबुक में अपने पास इसको नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य सेंड करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।